फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। मयूर विहार थाने की टीम ने एक सीसीएल के साथ दो लुटेरे और एक रिसीवर को गिरफ्तार किया। पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने मंगलवार रात बताया कि मयूर विहार थाने की टीम ने दो लुटेरे, एक सीसीएल और एक सामान को खरीदने वाले को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। डीसीपी ने बताया कि 1 अक्टूबर 2021 की शाम शिकायतकर्ता अजय पुत्र सीताराम, जो कि निवासी है त्रिलोकपुरी का, उसने बताया कि वो किसी काम से बाहर गया था, जहां चार लोग आए और उसके सर पर ईंट मार दी, जिसके बाद वो घायल हो गया। उसके पास 6500 रुपये थे और एक मोबाइल फ़ोन था, वो छीन कर फरार हो गए, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ उसका उपचार हुआ। उपचार के बाद उससे छुट्टी दे दी गई, जहाँ पुलिस ने जो शिकायतकर्ता के बयान पर मामला दर्ज किया, जिसकी प्राथमिक संख्या 598/21, धारा 392, 394, 397/34 IPC के तहत मामला दर्ज किया और जांच चालू की। जहाँ मयूर विहार थाने के SHO बनवारी लाल ने एक टीम बनाई, जो कि ACP हरी सिंह की निर्देश पर बनाई गई थी, जहाँ पर आसपास के लगे CCTV और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद दो लोगों की पहचान हुई, जिसमें बताया कि पहला पवन उर्फ मोनू पुत्र विकास सिंह, निवासी त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। दूसरा दीपक उर्फ अमित पुत्र संजय कुमार, जो कि त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। इस मामले में एक जुवेनाइल को भी गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ के बाद पता चला कि एक मोबाइल फ़ोन इसने सचिन गुप्ता को बेच दिया था, जो कि निवासी है न्यू अशोकनगर का। उसके पास पहुंचे, जहां उससे गिरफ्तार किया और जो लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन था उसको भी बरामद कर लिया, जहां उसके ऊपर 411 के तहत उसके मामला दर्ज किया और उसकी गिरफ्तार की। इसके बाद इस मामले में एक आरोपी और अभी फरार है, जिसका नाम दीपक है, जो कि त्रिलोकपुरी में रहने वाला है। पुलिस अब इन चारों से पूछताछ कर रही है।